अब बात करते हैं अगले खबर की, जहां देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 1,75,821 हो गई है, वहीं रिकवरी रेट 53% हो गई है। देश में कोरोना के 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 13,586 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल पॉजिटिव मामले 3,80,532 हो चुके हैं, जिसमें से 2,04,711 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी कुल सक्रिय मामले अब 1,75,821 है। वहीं 12,573 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बीते 24 घंटे में 3,336 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। रिकवरी रेट 53% पर पहुंच चुका है। अब बात करते हैं अगली खबर की, राज्यसभा चुनाव, मध्य प्रदेश में बस में बैठकर लाए गए कांग्रेस विधायक, वहीं गुजरात में एम्बुलेंस से पहुंचे बीजेपी एमएलए। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में एक घंटे में 64 वोट डाले जा चुके हैं। राज्यसभा में सीटों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी खाते की सीटें पक्का करने के लिए बीते एक महीने से जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में कांग्रेस ने अपने विधायकों को रिसोर्ट में पहुंचा दिया था। हालांकि इस पूरी गुणागणित में बीजेपी ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। आज भी जब मतदान शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों को एक साथ बैठाकर बस में विधानसभा लाया गया। ये सभी पार्टी नेता कमलनाथ के घर से आए हैं। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और सिंधिया जैसे दिग्गज मैदान में हैं। अब बात करते हैं अगले खबर की, जहां सुशांत को लेकर बॉलीवुड डायरेक्टर का खुलासा हुआ। बोले, मेरे साथ पहली फिल्म साइन की थी पर बालाजी ने उन्हें नहीं छोड़ा। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से बॉलीवुड में उसके फिल्म करियर को लेकर कई तरह के सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन अब बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट पर एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को उसके करियर की पहली फिल्म हेट स्टोरी के लिए साइन किया था, लेकिन बालाजी ने उन्हें रिलीज नहीं किया था। अब बात करते हैं अगले खबर की, जहां बातचीत के बाद चीन की ओर से 10 भारतीय सैनिकों को रिहा किया गया। भारतीय सेना ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात चीनी सेना के साथ हिंसक संघर्ष में शामिल कोई भी भारतीय सैनिक लापता नहीं है। सेना की ओर से गुरुवार शाम को यह बात कही गई। इस बीच मामले से संबंधित लोगों के मुताबिक 3 दिनों की वार्ता के बाद चीन सेना द्वारा 2 मेजर सहित 10 भारतीय सेना के जवानों को रिहा किया गया। अब बात करते हैं अगले खबर की, छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2 डॉक्टर, 3 पुलिस कांस्टेबल सहित प्रदेश में 82 नए केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में गुरुवार रात कोरोना संक्रमण के 82 नए केस सामने आए हैं। रायपुर में फिर 11 केस मिले हैं। इसके अतिरिक्त बलरामपुर में 22 केस मिले हैं, बलौदाबाजार से 12, वहीं जांजगीर चांपा से 11, तो दुर्ग से 9, राजनांदगांव से 8, बिलासपुर से 4, कोरिया से 3 और कोरबा से 2 और मरीज मिले हैं। वहीं मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 735 हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के 1946 मामले सामने आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इनमें से 1202 मरीजों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 9 लोगों की मौत हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।